तेरे बच्चे हो, हमेशा रहोगे बाबू, ठीक है? होने तो कितना दिन हम लोग अलग होंगे कभी तो। मामू तुम लोग प्यार से रहना, तुम ही तीनों एक दूसरे का सहारा हो। चलिए, इन आरोपों के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपका संस्थान उस मानक पे नहीं था, 25 बच्चों को एडॉप्ट रह नहीं सकते थे यहाँ पे। थोड़ा सा आपका संस्थान हमको विजिट करा दीजिए, दिखा दीजिए कौन कहाँ रहता था। तो सबसे पहले हम बाहर का हम बताइए हमें कि क्या कंडीशन रहा यहाँ पर। जो बच्चे हमेशा किलकारियों से गुजर करता था ये पूरा आंगन, तो यहाँ पर क्या स्थिति अभी सुना लग रहा है? यहाँ पर कौन कौन रहता था? अब तो बहुत सुनसान हो गया, उजड़ गया सर। तो सुनसान तो हो ही जाना जहाँ इतने बच्चों की किलकारियाँ थी, अब वो सब खत्म। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को सेपरेट नहीं रखा जाता था, एक ही साथ रखा जाता था। तो हम जानना चाहेंगे कि जो लड़कियों के लिए जो है वहाँ पे लेकर हमको चलिए, और जो लड़के हैं उनको। सर लड़के इधर रहते हैं, इसमें यहाँ अंदर रहते थे, यहाँ लड़के सोते रहते हैं, ऊपर में अपना बिस्तर ले आके रख देते हैं, यहाँ सोते हैं, और यहाँ भैया पापा रहते हैं, और यहाँ लड़के सोते हैं, चार लड़के। लड़कियाँ? लड़कियों के लिए अलग। तब तक और भी जो आपके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसको लेकर हम थोड़ा पूछेंगे। यहाँ पर धर्मांतरण की बात चल रही है कि धर्मांतरण किया जा रहा है, तो उस पर पूछेंगे कि क्यों आपने धर्मांतरण क्यों किया है बच्चों का? सर आप बताइए, दो दिन का बच्चा मिल रहा है, एक घंटे का बच्चा मिल रहा है, बताइए उसका क्या धर्म है? कैसे हम धर्मांतरण कर दिए? हम तो हमारे तो दिमाग ही नहीं, उसको किस भाषा से हम प्रस्तुत करें? धर्मांतरण क्या है? हम तो ये जानते हैं कि लोगों ने अधर्म करके फेंका, मैंने उठा के सीने से लगाया, ये धर्मांतरण हो गया। अब यदि कहा जा रहा कि नाम से, तो जो जो बच्चा बड़ा आया, जिसका हम जानते हैं कि उसका नाम क्या है, उसके बाप कौन था, माँ कौन था, तो हम उसका नाम देते हैं। जैसे हाटा में हम पाए थे, पहली लड़की महिमा पाए, सबसे पहली लड़की जो पाई मैं, तो उसका नाम महिमा रखा। क्या ये धर्मांतरण हो गया? महिमा कर दी, महिमा नाम है, महिमा नाम है। अच्छा। उसके बाद मैंने, देखिएगा पीछे, उसके बाद मैंने छाया और छोटे को हाटा से पाई, तो छाया तो छाया ही है, और छोटे को एकदम चमड़ा और हड्डी रह गया था, कुपोषित, तो मैंने उसको बड़े विश्वास से कहा कि अब तू छोटे नहीं रहेगा, अब तू विशाल हो जाएगा, तो मैंने उसका नाम विशाल बस रखा। और उसके माँ का नाम बिगनी देवी, छाया और छोटे भाई बहन, बिगनी देवी माँ है, और उसके बाप का नाम भूवर नोनिया है। बताइए ईसाई हो गया, धर्मांतरण हो गया, ये तो नाम उसी का है ना। उसके बाद भी कोमल है, सूजन है, यानी कि स्मृति सिरिन का कहना है कि जिनका, जिन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन था, वो जिस धर्म से बिलोंग करते थे, उनका अगर पता चल पाया उनके माता पिता कौन रहे हैं या क्या है, उनका नाम ऑलरेडी कंटिन्यू, जैसा कि महिमा का नाम कंटिन्यू किया गया है, छाया का नाम कंटिन्यू किया गया है, लेकिन जो बच्चे आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाए, जो कहीं कचरे में मिले या कूड़े में मिले या जिनको फेंक दिया गया, उनको अडॉप्ट किया गया, तो ये इन्होंने अपनी माता के तौर पर, खुद को अपनी माता को प्रेजेंट करते हुए, इन्होंने उन बच्चों को अपनाते हुए अपना नाम दिया है, तो ये किस रूप से धर्मांतरण है ये कह रही हैं। तो धर्म के पहलू पर बात करेंगे। आपने अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया कि आप अपने कम्युनिटी से भी हट चुकी हैं, दूरी बना ली हुई हैं। जी हाँ, मुझको ऐसा तकलीफ हुआ अपने ईसाई समाज में कि हम खुद ईसाई समाज से अलग हैं। तो धर्म आपके लिए क्या है? धर्म मेरे लिए यही है, जो अबोध बच्चे जो फेंके गए, जो जो गिरता है पड़ता, जिसका कोई है ही नहीं है, मैं यही धर्म जानती हूँ, मानव सेवा। वो भी ऐसे अबोध बच्चे जो कुछ नहीं अपने विषय में जानते, इससे बढ़ के कोई और सेवा और कोई धर्म हो सकता है सर? ठीक है, तो इनके लिहाज से धर्म यह है। फिलहाल हम जहाँ पे आए हुए हैं, ये यहाँ पे बालिका रहती हैं, बच्चियाँ, बच्चियाँ यहाँ पर रहती हैं। देखिए,
रहती थी, अभी फिलहाल पूरा सूना पड़ा हुआ है। एक बार इनके हम वार्डरोब के तरफ आपको लेकर जाना चाहेंगे। यहाँ कुछ तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए कार्डबोर्ड बना हुआ है, जैसे एक सिंपल से जिंदगी बच्चे अपने लाइफ अपने माता पिता के साथ जीते हैं। यहाँ पे देखिए कितनी खुशहाली के साथ वो इन्वायरमेंट यहाँ पे था कि बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी देखिए। शायद आप थोड़ा सा क्लोज करके शॉट्स को दिखाइए, हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे लिखा है हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी, यानी कि श्रीमती शिरीन के लिए ये चिट लिखा, आई लव यू टू मॉम। ये इसी माँ के ऊपर लगाया गया है, ये इसी माँ के लिए लिखा गया है। अब ये बात मुझे बोलते हुए खुद ही मुझे बोलते हुए दिक्कत महसूस हो रहा है कि आज के दौर में उस माँ के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिसके लिए यहाँ पर बच्चों ने आई लव यू मॉम लिखा है। इसी चीज को हम दिखाना चाहते थे। एक बार फिर से आप देखिए धर्म के मुद्दे पर, धर्मांतरण के मुद्दे पर, ये धर्म और धर्मांतरण वाले लोग जो है हम दिखाना चाहते हैं, इनका भंडाफोड़ करना चाहते हैं कि देखिए किस तरह करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, हैप्पी बर्थडे टू यू दादी। दादी इन्होंने, कोई ऐसा बच्चा होगा जिन्हें लगा होगा कि दादी है, इन्होंने लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे टू यू दादी। ये सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जो अपने आप श्रीमती शिरीन को माता मानते थे या दादी मानते थे, उन्होंने ये इनके लिए डेडिकेटेड किया है। देखिए यहाँ पे आशी नाम की आशी मॉम, फ्रॉम आशी मॉम ने इन्हें दादी लिख के किया हुआ है। और यहाँ भी आई लव यू मॉम लिखा हुआ है, आई लव यू दादी लिखा हुआ है। ये कुल मिला के आप देखिए पूरा ये इन्हीं के लिए कार्ड बनाया गया है। यहाँ पे लिखा है आई लव यू मम्मी और बच्चों का नाम भी इसमें मेंशन किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप देखिए यहाँ पर जिन्होंने ये प्रूफ कर दिया है एक संस्थान के ऊपर कि सिर्फ महज एक सर्टिफिकेट ही निर्धारित कर देता है कि एक संस्थान को। तो देखिए ये खिलौने चीख चीख कर बता रहे हैं उस बच्चों के तकलीफ, उस दर्द को बताने के लिए खिलौने ही काफ़ी हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, उनको किस तरह से वंचित किया गया है इन सब चीज़ों से। यहाँ पर पूरे चारों तरफ इस पूरे सेक्शन में यहाँ पर कुछ साइकिल्स पड़ी हुई हैं बच्चों के लिए, अलग डेडिकेटेड किचन है। यहाँ पर निपल्स रखे हुए हैं छोटे छोटे बच्चों के, यहाँ देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चों का निपल्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि अनेक स्प्रे ये उन बच्चों के लिए जो जिनका सफिशियंट जो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं दूध को, वो यही दूध डाइजेस्ट करते हैं। बॉर्नविटा रखा हुआ है, ये माँ के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जहाँ धर्मांतरण का हो रहा है, पीछे देखिए भगवान बुद्ध का मूर्ति लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर जाते जाते हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है, बच्ची ने लिखा है, किसी बच्ची ने यहाँ पर कोट लिख के अपने श्रीमती शिरीन को मामी मम्मी दिखाते हुए लिखा है, डरो मत तुम बहुत सी गौरैयों से कहीं अधिक मूल्यवान हो। बहुत छोटे शब्दों में जो उनको लगा उन्होंने लिखा है, और ये पूर्ण रूप से दिखाता है कि कितनी बच्चियाँ डरी हुई थी, कितना ज़्यादा सहमी हुई थी प्रशासनिक तौर पर कि उनको बहुत अच्छे जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है और इनको पूर्ण रूप से अपराधी सिद्ध कर दिया गया है। यही तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते थे। चलिए बड़ी बच्चियों के कमरे पर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेड्स पड़े हुए हैं, बड़ी बच्चियों के लिए कूलर रखा हुआ है। अब ये स्थिति देखिए कि आज सरकार ने बहुत सारे नियम कायदा कानून बना दिया है, और एक अनाथालय के लिए ऐसे नियम कानून कर दिए हैं जिसको पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अपने संसाधन के माध्यम से ये अनाथालय क्या क्या करता था वो हम दिखाना चाहेंगे। अफवाहों के बाजार में बहुत सारे वीडियोस आपके पास आए हुए होंगे, लेकिन हमारे पास तो तस्वीरें बिल्कुल अलग ही दिख रही है। आपको पता है कि कुशीनगर समाचार इस मुद्दे को अगर उठाया है तो इसको अंजाम तक जरूर पहुंचेगा, और जो भी इसके पीछे साजिशें हैं उसको बेनकाब करेगा। ये यहाँ पर फ्रिज रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है कूलर। एक साधारण से फैमिली में भी बताइए कि अगर साधारण से फैमिली ऑन एवरेज कमाने वाली है उसके यहाँ भी ये सब चीज़ें दिखती हूँ। सरकार ने तो नियम कायदा कानून बना दिया है कि इन संस्थान को ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये हम पूछते हैं
कि अगर ये इतना नियम कायदा कानून फॉलो कर पाना आसान था तो अभी तक कुशीनगर के कोई भी संस्थान ने, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी भी मंत्री ने, किसी भी जनप्रतिनिधियों ने वो इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया कि बच्चे छोटे छोटे जो नवजात हैं उनका, उनको जीवन देने के लिए, उनको संभालने के लिए इस तरह के अनाथालय का निर्माण कराया जाए। और एक चलता था उसको कागजों के रूप में उलझा कर उसको भी बंद कर दिया गया, बच्चों को अलग अलग एक दूसरे से अलग कर दिया गया। उस बालक को, उस बालक और बालिकाओं के अंदर जो बेबसी है उस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए कि उनके दिल पर आज क्या गुजरती होगी जिन्होंने ये चीज श्रीमती शिरीन के लिए लिखते हुए यहां पर चिपकाया हुआ है, जिसको जो वो बालक जो महसूस करते थे कि ये उन्हीं का घर है, आज बिछड़ कर ना जाने कहां है, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। श्रीमती शिरीन ने बताया कि कल जब लेकर यहां से लोग गए, एक दिन पहले से बच्चों ने खाना पीना छोड़ दिया था और कल का भोजन आज इन्होंने, कल का भोजन आज इन्होंने बाहर फेंका है। अच्छा ये बताइए कि बच्चे पढ़ाई भी करते थे या फिर सिर्फ यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं? नहीं, बच्चे पढ़ते थे, पढ़ते थे जी। अभी तो लॉकडाउन के समय पढ़ाई पिछड़ गई है, मगर बच्चे पढ़ते थे, सभी बच्चे पढ़ते थे। जो बच्चे एडल्ट हो गए अब, वो उन बच्चों की पढ़ाई के हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि जो 4-5 लड़के एडल्ट हो, बड़े हो गए, 18 साल से ऊपर हो गए, उनके पढ़ाई की स्थिति क्या है? देखिए चूंकि लड़के बड़े मिले हैं, जन्म से नहीं मिले हैं, तो कुछ तो जो जन्म से मिले हुए हैं वो तो अच्छे दिमाग के हैं, और जो बाद में मिले हैं उनका दिमाग इतना अच्छा पढ़ने में नहीं है। पर टेंथ इंटर वगैरह जी जी टेंथ टेंथ जी टेंथ किया है जी, और एक तो 11th में है और दो बच्चे 10th का एग्जाम हुआ नहीं अभी कोरोना के कारण, पर 10th में थे, निकल गए जी। इसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारे बैग्स फेंके हुए हैं, इतने सारे सब चीज़ें, मतलब इस तरह सफाई का व्यवस्था नहीं था। हम देख पा रहे हैं कि पीछे भी एक फ्रिज रखा हुआ है, तो पूरा हमारे लहजे से तो बहुत साफ सुथरा इन्वायरमेंट दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा चीज़ें क्या दिखी जो प्रशासनिक अधिकारी को लगी कि यहाँ पर चीज़ें सही नहीं हैं? अफसर, अधिकारी अफसर होते हैं, हम लोग तो साधारण हैं और हमको कहीं से सपोर्ट तो है नहीं। जानते हुए उन्होंने कुछ रिपोर्ट आपको दिया था या फिर नहीं? मुझको कुछ नहीं, बहुत मुझको मालूम है कि बहुत नाराज़ होकर गए, बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, बच्चों को जल्द से जल्द यहाँ से हटाने के लिए, और बहुत नाराज़ थे। बच्चों का क्या बयान था उनके समक्ष? बच्चे तो जो भी वो कह रही थी तो बच्चे एक में भी राजी नहीं थे, उनसे इतना भयभीत थे। हाँ, बहुत फुसला के प्यार दिखा के उनसे, लेकिन वो बातें कर रही थी, लेकिन जो बातें कर रही थी बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा था जी। जाने की बात है कि जो बच्चे यहाँ पर लिख रहे थे आई लव यू मॉम, वो यहाँ छोड़कर जिसे अपना वो घर मानते थे, जिनके गलियारी में खेलते थे, जिन बच्चों को के साथ रह के भाई बहन वो अपने आप को मान लिए थे। हमारे साथ बहुत सारे यहाँ इस परिवार के भी बच्चे हैं जिनके चेहरों को देखिए थोड़ा सा एक बार, इनमें कितनी प्रसन्नता रहती थी जब हम आते थे यहाँ पे, इनके चेहरे का हाव भाव देखिए किस तरह, ये अपने भाइयों से बिछड़ कर क्या महसूस कर रहे हैं, अपने बहनों से बिछड़ कर क्या महसूस कर रहे हैं। हेलो, हाँ बेटा, कौन हो तुम? बाबू, हाँ कैसा बाबू? ठीक है। कहाँ हो तुम अभी? डैनी कहाँ? डैनी, डैनी को यहाँ है। गप्पी के साथ नहीं डैनी? नहीं। और तुम्हारे साथ कौन है? हाँ मैं बैग और विक्की है। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हो तुम लोग? ठीक है। रोते नहीं ना हो बाबू? खुश रहो बाबू, ना रोना नहीं है ना बाबू, जो खाना मिले खाना, खेलना। अच्छा है कि तुम अकेले नहीं, तीन जनों। अब डैनी कहाँ बेटा, नहीं मालूम? रोना नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना है, वैभव से बात करा। वैभव,
वैभव से नहीं बात होगी? वैभव कैसा बेटा? ठीक है। रोते नहीं ना हो तुम लोग? रोता नहीं ना है? गब्बी को संभालना है ना बेटा? हाँ, डर निकले नहीं मालूम कहाँ है? नहीं, वो चुप किच्ची लोग के साथ गया है। मिक्की लोग के साथ? हाँ। किच्ची के? किच्ची या दांत गब्बी के होगा, ये सब अलग हो गए। अच्छा अच्छा, बाबू खुश रहना, रोना नहीं बेटा ना। हम लोग मिलने आएंगे तुमसे ना, छोड़ेंगे थोड़ी। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ बिक्की ठीक है ना? अच्छा, चोट ठीक है उसका? दवाई वे मिला था? मिला था। अच्छा ठीक है बेटा, खुश रहना। और तुमको भी चोट लगी थी ना? गब्बी को तो बहुत चोट लगी थी, मारे थे लोग ना? अरे मेरा बाबू। गब्बी भी यही तो बैठा है मेरे पास। गब्बी दवाई मिला था बाबू? गब्बी खाना मिलता है ठीक से? हाँ। अच्छा, फुसलाना बेटा, प्यार से रखना अपने भाई को ना। हाँ, बिक्की से कहना तुम लोग को संभालेगा ना। हाँ ठीक है बेटा, खुश रहो, ऐसे ही समय समय पर फोन करना है। हाँ बाबू, खुश रहो, ईश्वर आशीष दे, तुम लोग की रक्षा करो। ठीक है बेटा। तो कभी अलग थोड़ी जाओ सकते, कौन अलग कर चला जी, अलग करेगा। तुम मेरे बच्चे हो, हमेशा रहोगे बाबू, ठीक है? होने तो कितना दिन हम लोग अलग होंगे, कभी तो मिलेंगे, हम लोग आते जाते रहेंगे, ठीक है? गब्बू का ख्याल रखना, तुम तीनों आपस में ठीक से रहना। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हो? अच्छे से रहना। हाँ बाबू, हम लोग अच्छे से हैं, कैसे है क्या मत? सोनी दीदी से बात करो। बाबू तुम लोग प्यार से रहना, तुम ही तीनों एक दूसरे का सहारा हो ना। गब्बी को प्यार से रखना बेटा, उसको ख्याल रखना। रोना नहीं, जो मिले खूब खाना, वहां तो बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है ना? जो मिले खूब खाना, ठीक है? खुश हाँ, एक दूसरे का चोट देखना, संभालना, खुश रहना, ठीक है? हम लोग आएंगे देखने बेटा, ऐसा नहीं हम लोग भूलेंगे नहीं। ठीक से रहना बेटा। बिक्की कहाँ है? मेरे ही बगल में बैठा है। दो हेलो सुन दी। हाँ बेटा, कैसे हो? ठीक, अपना बताइए। ठीक है बाबू, चोट लगी थी, ठीक हो तुम लोग? जी ठीक है। देखो बेटा, तुम ही सबसे बड़े वहाँ पे गार्जियन हो दोनों के, ठीक है? जी, अब मेरी बात होता है। हाँ, तुम ही अब सब कुछ उनके बड़े भाई समझो या बाप समझो, जो तुम ख्याल रखोगे दोनों छोटे भाई का। हाँ जी, हम लोग तीन जने यहाँ पे। हाँ, दवा मिली थी तुम लोग को? दवाइयाँ मिली थी तुम लोग को? नहीं, कोई दवा नहीं दिया? दवाई? हाँ, चोट लगी थी तो दवा मिली थी? नहीं। देखो ठीक है बेटा, एक दूसरे का ख्याल रखना ना, और जहाँ से फोन कर रहे हो करते रहना फोन। हाँ, किसी और को इसी में से किसी को मोबाइल मांगे हैं। हाँ ठीक है, बस बताए हम अपनी बात किया। और बेटा, वहाँ पे भी मारा गया तुम लोग को? नहीं, वहाँ पे नहीं। जब हॉस्पिटल में तुम लोग यहाँ से लेके गए सब जिला पे, गाली वाली दे रहे थे साहब? हम सुने विनोद चल नहीं पा रहा था, उसके पैर में लगी है। हाँ, तो मारे थे घर पे, जो घर पे मारे थे वही वाला चोट। वो लोग फोन आया था?
नहीं बेटा उन लोग का फोन अभी नहीं आया है, लेकिन बात हुई है जहाँ पे वो लोग है ना वहाँ हॉस्टल में, वहाँ वार्डन से बात हुई है। हाँ, गाली दे रहे थे क्या तुम लोग को? अच्छा, यहाँ पे अच्छा कौन दे रहा था गाली? पुलिस वाले थे जो। अच्छा, क्या बोल रहे थे साहब? वही सब गाली दे रहे थे, गंदा गंदा। अच्छा ठीक है बेटा, अब हम क्या कहे, तुम ख्याल रखना सबका। चल रही है और बिलख विलख कर यहाँ के जो केयरटेकर हैं वो रो रहे हैं। जिस बच्चे का फ़ोन आया हुआ है वो भी लगातार रो रहा है और अपना व्यथा सुना रहा है। उसको इस बात का डर है कि जिसके माध्यम से उसने फ़ोन किया है अगर ये बात लीक हो गई तो उनसे भी बात नहीं करने दिया जाएगा। डर का माहौल देखिए, आज जो भी चीज़ें दावे की जा रही हैं ये चीज़ें दिखानी इसलिए ज़रूरी थी और इसीलिए कुशीनगर समाचार एक दिन बाद ये खबर दिखा रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करने को तो आए लेकिन क्या एक बार यहाँ पर आकर उस कंडीशन को जानने की कोशिश किए जो यहाँ के लोगों पर गुजर रही है, जिनसे वो अटैचमेंट हो चुका था। कानूनी रूप से मान्यता होती है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिनके ऊपर कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो उनके सारे पेपर्स मिल जाएंगे। इतने दिन से ये संचालित रहे, IAS आए, PCS आए, यहाँ के जनप्रतिनिधि आए, सबके नज़र में अच्छा रहा। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पर ड्रेनेज का निर्माण हुआ है, उस पर मेंशन किया गया है अनाथालय का, अभी कुछ दिन पहले का निर्माण, सरकार के स्कीम में भी इस अनाथालय का नाम है, उसके बावजूद आज अवैध रूप से घोषित कर दिया गया महज इसीलिए क्योंकि 2015 के बाद नए नियम कानून आए जिसको ये फुलफिल नहीं कर सकते, गरीब हैं, अपने पेट को काट काट के बच्चों को खिला रहे हैं। इनकी गलती सिर्फ यही है ना कि बाहर अगर फेंका गया है झाड़ी में, अगर कुत्ते नोच रहे हैं उनको, वहां से उठाकर उन्हें नई जिंदगी दे रहे हैं, यही तो गलती की है ना समाज में इन्होंने। कानूनी रूप से आपने गलत सिद्ध कर दिया लेकिन नैतिकता आपकी कहां मर गई है? ये सवाल हम खड़ा करके आपके सामने जाते हैं। जय हिंद।